हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल हैं। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा, अगर तो आपके पास भी सैमसंग गैलेक्सी A03 कोर सेल फोन मौजूद है तो आपको भी उसके अंदर एक बहुत ही कॉमन इश्यू जो है वो फेस करना पड़ता है। जैसे ही आप इसके अंदर कोई भी मोस्टली जो है ना ऐप्स आप इसमें इंस्टॉल करें तो आपको इसमें एक ऑप्शन जो है वो आ जाती है कि जी आप इसको परमिशन को अलाउ करें, और आपको अपेयर ऑन टॉप की ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपको आ जाता है जी के फीचर नॉट अवेलेबल। साथ में आपको नीचे लिखा है कि ये फीचर टर्न ऑफ है बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से, क्योंकि इससे आपका सेल फोन जो है ना वो स्लो डाउन हो जाता है। तो ये एक बड़ा ही कॉमन इशू है इस सेल फोन के अंदर, और इस सेल फोन के अंदर नहीं, इसके अलावा भी जो जो है ना लो प्राइस के सेल फोन है ना एंड्रॉयड के, उनके अंदर काफ़ी सारे मेजोरिटी सेल फोन के अंदर जो है ना ये फीचर जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। अगर सैमसंग के M01 की बात की जाए तो उसके अंदर भी यही सेम इशू जो है वो फेस करना पड़ता है। तो उसके अंदर जो है ना कुछ थोड़ी सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से जो है ना कुछ ऐप्स जो है ना इस फीचर के ना होते हुए भी वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब इस सेल फोन के अंदर जो है ना वही ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं कि वो वर्क करती है या नहीं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने सेल फोन की सेटिंग्स में आने के बाद डेवलपर ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, आपने डेवलपर मोड ओपन करना है, और आपको यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स, कुछ नहीं काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स जो है ना वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो डेवलपर ऑप्शन के अंदर आपने यहाँ पर आकर फाइंड आउट करनी है एक ऑप्शन, ये जी इनेबल GPU डिबग लेयर, ठीक है। तो आपने इस फीचर को यहाँ पर ऑन करना है। अब यही फीचर अगर गैलेक्सी के M01 के अंदर अगर हम ऑन करते हैं तो हमारे काफ़ी सारे ऐप जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इस सेल फोन के अंदर अब ट्राई करते हैं कि जी हमारा ऐप जो है वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं इसको बैक करके दोबारा परमिशन पर आता हूँ, तो ये जी सेम अभी भी सेम इशू जो है ना वो मेरा मौजूद है कि जी फीचर नॉट अवेलेबल। लेकिन अब इसमें सेल फोन के अंदर अगर हम बात करें ना अगर स्क्रीन रिकॉर्डर की, तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे स्क्रीन रिकॉर्ड, मेजोरिटी अगर आप बात कर लेना स्क्रीन रिकॉर्डर्स की, वो भी वर्क नहीं करते। इस टाइम मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर वर्क कर रहा है क्योंकि मैंने इस ऑप्शन को जो है ना ऑलरेडी पहले से ही एक्टिवेट किया हुआ था। तो इससे ये हुआ है कि जी मेरा ये स्क्रीन रिकॉर्डर जो है ना, इसमें आपको ये इसका नेम मैं आपको बताता हूँ, एक्स रिकॉर्डर। तो ये वाला अगर रिकॉर्डर अगर आप इसमें अपने सेल फोन में गैलेक्सी के A03 कोर के अंदर अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको भी पॉपअप विंडो की ऑप्शन आएगी, लेकिन वो ब्लॉक मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद अगर आप डेवलपर मोड के अंदर इस फीचर को ऑन कर लेते हैं तो ये फीचर आपका जो है इस ऐप के लिए एक्टिवेट हो जाएगा, और उससे आप अपने सेल फोन के अंदर जो है ना बहुत ही ईजीली आप इस फीचर के ना होते हुए भी अपने सेल फोन की विंडो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो भाई उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।